पिज्ज़ा तो आपने बहुत खाए होंगे और बहुत ज़्यादा महंगे महंगे तरीन खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा, डिलिशियस सा, बिल्कुल सेम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा अमेजिंग सा, आज मैं आपके लिए लो कॉस्ट बजट में अमेजिंग सा जो है वो झटपट वे में पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने बहुत तरह के पिज़्ज़े खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको तवा पिज़्ज़ा बनाने की अमेजिंग से रेसिपी देने वाली हूँ। तो आपने बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है, और वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। आज मैं आपको बिना ओवन बिना पतीले के तवे पे ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरह से झटपट वे में अमेजिंग से जो है वो तवा पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आपने जो है वो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी से देखना है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर से देना है। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवा पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम पिज़्ज़े की डो तैयार कर लेंगे। तो डो तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले 500 ग्राम्स के करीब मैदा ले लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून। इसके अंदर हम यहाँ पे ईस्ट ऐड कर देंगे, तकरीबन 1.5 टी स्पून। यहाँ पे हम नमक शामिल कर देंगे, तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, वेल कम्बाइन करेंगे। टेबल स्पून यहाँ पे हम जो है वो ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे, वेल कम्बाइन करेंगे। आप ऑयल ज़रूर से ऐड करिएगा इस टाइम पे आके, यकीन करें आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो डो सॉफ्ट सी और बहुत ज़्यादा नरम सी बन के रेडी होगी, जिसकी वजह से आपका पिज़्ज़ा जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा और नरम सा बन के रेडी होगा। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह की डो बन के रेडी हुई और डो बनाने के बाद किस तरह का हमारा पिज़्ज़ा नरम सा सॉफ्ट सा बन के रेडी हुआ। तो तेल आप ज़रूर से ऐड करिएगा। तेल ऐड करने के साथ ही हमने तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स की, वेल कम्बाइन की। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करते जाएंगे, अच्छी सी नरम सी डो बना के रेडी कर लेंगे। जितनी नरम आपकी सॉफ्ट सी जो है वो डो बन के रेडी होगी ना, उतना ही आपका अमेजिंग सा और सॉफ्ट सा जो है वो पिज़्ज़ा बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर हमने सिंपल जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं ना रोटी बनाने के लिए, सेम हमने उसी तरह का ही आटा गूंथ के रख लेना है, यानी कि डो बना के रेडी कर लेनी है। लेकिन इसे हमने 1 से 1.5 घंटा के लिए रस देने के लिए छोड़ना है, क्योंकि हमने इसे जो है वो राइस करना है ना, तो इसलिए हमने इसे 1.5 घंटा के लिए तकरीबन भी जो है वो छोड़ेंगे, क्योंकि गर्मी है, जल्दी से जो है वो ये राइस हो जाएगी। तो हमें इतनी ज़्यादा राइस नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इसके अंदर जब ऑयल ऐड कर दिया ना तो ये ऑलरेडी अच्छा सा जो है वो नरम हो जाएगा। तो मैं आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही दिखाऊँगी कि ये बहुत ज़्यादा राइस भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपकी कितनी सॉफ्ट सी जो है वो पिज़्ज़ा की डो बन के रेडी होगी। तो यहाँ पर हमने डो तैयार कर ली हुई है, नरम सी सॉफ्ट सी, और हम किसी दूसरे बाउल के अंदर इस तरह से तेल को स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद हम डो ऐड करने के बाद जो है वो इसे कवर करके 1.5 से 2 घंटा के लिए रख देंगे, क्योंकि मैं ये पिज़्ज़ा जो है वो गर्मियों में बना के रेडी कर रही हूँ ना, तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हमारा जो है वो डो बन के रेडी हो गई थी। तो इसलिए मैंने इसे ज़्यादा देर के लिए रेस्ट नहीं दिया था। अगर आप सर्दियों में बना के रेडी कर रहे हैं ना, तो आप ज़्यादा देर के लिए भी इसे रेस्ट दे सकते हैं। हम जो है वो चिकन फिलिंग बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बोनलेस चिकन तकरीबन भी जो है वो 400 ग्राम्स के करीब यहाँ पे हमने जो है वो चिकन ले ली हुई है, क्यूब्स में कट की हुई, 1/2 टी स्पून। यहाँ पे हम जो है वो नमक 1/2 टी स्पून, भुना कुटा जीरा 1/2 टी स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टी स्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टी स्पून, यहाँ पे हम पेपरिका पाउडर 1/2 टी स्पून, हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे आप किसी भी ब्रांड का टिक्का मसाला पाउडर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे होममेड टिक्का मसाला पाउडर ऐड कर दिया हुआ है। तमाम मसाले ऐड करने के साथ यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून भर के ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के साथ ही हम यहाँ पे तकरीबन भी 1/2 टी स्पून भर के यहाँ पे हम लहसुन का खाली पेस्ट ऐड कर देंगे, अदरक नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, वेल कम्बाइन करेंगे। चिकन जब अच्छे से मिक्स हो जाएगी, वेल कम्बाइन हो जाएगी ना, तो इसके बाद इसे हम भी तकरीबन भी जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी रेस्ट दे सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट देने के लिए छोड़ा था। अब हम जो है वो अमेजिंग सी इसकी जो है वो डिप सॉस, या आप कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो है वो पिज़्ज़ा सॉस बना के रेडी करनी है। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 टेबल स्पून केचप लिया, 1/2 टी स्पून यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, और 1/2 टी स्पून ही हमने यहाँ पे जो है वो काली मिर्चों का पाउडर ऐड करके अमेजिंग सी हमने यहाँ पे जो है वो पिज़्ज़ा सॉस बना के रेडी कर ली हुई है। अगर आप झटपट सी बना के रेडी कर रहे हैं ना, तो आपकी ये सॉस बन के रेडी हो गई है। अगर आप अमेजिंग तरह से जिस तरह से प्रॉपर जो है वो एक
सॉस बन के रेडी होती है ना, तो मैंने उसकी भी रेसिपी अपने चैनल पर दे चुकी हुई, उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी, आप जो है वो सर्च करके भी देख सकते हैं किस तरह से मैंने जो है वो होममेड तरीके से आके रेडी की है। तो हमने जो है वो यहाँ पर सॉस बना के रेडी कर ली हुई है, इसे हम साइड पे रखेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। अगले प्रोसेस के लिए हमने जो चिकन मैरिनेट की थी ना, तो 10 से 15 मिनट के दौरान हमारी चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुकी हुई है। चिकन मैरिनेट की हुई को हम एक पैन के अंदर तकरीबन 3-4 टेबल स्पून तेल ऐड करेंगे, तेल को अच्छे से गर्म करेंगे, उसके बाद मैरिनेट की हुई चिकन ऐड करके अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन 4-5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर रख के अच्छे से कुक करेंगे। जब चिकन अच्छे से कुक होने लगेगी ना, तो मीडियम टू लो फ्लेम रख के इसे हम तकरीबन 4-5 मिनट तक दोबारा से कुक करेंगे। तो 10-12 मिनट के दौरान हमारी चिकन अच्छे से कुक हो जाएगी, अच्छे से फुल डन हो जाएगी। चिकन हमारी फुल टेंडर जूसी और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल चुकी हुई है, इसे हम साइड पे रखेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो अब हम जो है वो यहाँ पर डो चेक कर लेंगे, तो 1-1.5 घंटा हो चुका हुआ है, डो हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी हुई है। हमने ज़्यादा देर के लिए इसे रेस्ट नहीं दिया था, लेकिन देख सकते हैं आप फिर भी कितनी अच्छी तरह से नरम और सॉफ्ट सी जो है वो हो चुकी हुई है। इसके अंदर तार बन के आए ना, तो इसकी अमेजिंग सी समझ लें आप, डो बन के रेडी हो चुकी हुई है। तो यहाँ पर मेरी सॉफ्ट सी नरम सी जो है वो डो बन के रेडी हो गई है। मैं आपको अभी ये चेक करवा रही हूँ, देख सकते हैं आप कितनी है नरम सी डो है। फिर मैं आपको बाद में पिज़्ज़ा भी चेक करवाऊँगी, वो कितना नरम सा और सॉफ्ट सा बन के रेडी होगा। तो इस तरह से जाली टाइप से बन के आती है ना, तो आपकी अमेजिंग सी डो बन के रेडी हो गई। अगर आपकी जाली नहीं बन के आ रही ना इस तरह से, तो आप दोबारा से डो को जो है वो थोड़ी सी देर और जो है वो रेस्ट करने के लिए छोड़ सकते हैं, जब तक आपकी ये जाली ना बन के आए ना, तो जब तक आपकी अमेजिंग सी डो बन के रेडी नहीं होगी। तो डो को हमने दोबारा से पेड़ा बना के साइड पर रख के तकरीबन 3-4 मिनट के बाद इस तरह से पिज़्ज़ा ट्रे के ऊपर इस तरह से हमने जो है वो तेल स्प्रेड करने के बाद जो है वो हमने पिज़्ज़ा की डो का एक पेड़ा बना के इस तरह से स्प्रेड करते जाना है। सब तरफ से अच्छे से हम बिछा लेंगे इस तरह से, और नरम से हाथों की मदद से अच्छा सा इसे सब तरफ से एक सा कर लेंगे। कहीं से बड़ा कहीं से छोटा नहीं होना चाहिए, कहीं से पतला कहीं से मोटा नहीं होना चाहिए। जब पिज़्ज़ा हमारा ट्रे में अच्छे से लग जाएगा ना, तो हाथ की मदद से इस तरह से स्प्रेड की हुई जो है वो डो को आप जो है वो उंगलियों की मदद से अच्छे से निशान बना दीजिएगा। उसके बाद तवे के ऊपर रख के आप जो है वो मीडियम टू हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसे जो है वो कुक कर लीजिएगा। तो एक तरफ से अमेजिंग तरह से झटपट से जो है वो आपका ये पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। तो तवे को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के 5 मिनट तक अच्छे से गर्म किया, उसके बाद हमने पिज़्ज़ा ट्रे ऐड करने के बाद ना ढक्कन बंद कर दिया। ढक्कन बंद करने के बाद हमने 5 मिनट तक इसे फुल कुक किया। तो देख सकते हैं आप कितना अमेजिंग सा हमारा जो है वो पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुका हुआ है। तो इस पिज़्ज़े को हम जो है वो प्लेट के ऊपर इस तरह से शिफ्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ है ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा आहिस्ते किसी बहुत ज़्यादा आराम से आप इसे जो है वो प्लेट के अंदर शिफ्ट करिएगा। उसके बाद पिज़्ज़ा ट्रे को दोबारा से हम ऑयल से ग्रीस करेंगे, ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छा सा हमारा जो है वो पिज़्ज़ा बेक हो जाए। तो पिज़्ज़ा को दोबारा से बेकिंग ट्रे में ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम तमाम टॉपिंग एक साथ ही ऐड कर देंगे। पिज़्ज़ा को बेकिंग ट्रे के अंदर ऐड करने के बाद सबसे पहले हम जो है वो पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, स्प्रेड करेंगे, उसके बाद हम चीज़ की लेयर बनाएंगे, उसके बाद हम तमाम टॉपिंग्स ऐड करेंगे। सॉस और जो है वो चीज़ की लेयर बनाने के बाद, स्प्रेड करने के बाद हमने यहाँ पे चिकन की टॉपिंग कर दी हुई है। कुछ टमाटर और जो है वो कुछ शिमला मिर्च मैंने स्लाइस में लंबाई में कट करके इस तरह से जो है वो कट कर लिया हुआ है। हमने एक एक करके तमाम इसी तरह से खूबसूरती के लिए जो है वो तरीके से लगा देनी है। जिस तरह से सेम बाहर से हमें पिज़्ज़ा वगैरह जो है वो ऑर्डर करते हैं या हम जाके खाते हैं ना, जिस तरह से हमें सर्व किया जाता है ना, सेम उसी तरह से हम बना के रेडी करेंगे। खानों में खूबसूरती के लिए भी कुछ ज़रूर से एफर्ट्स किया करें। तो यहाँ पर मैंने जो है वो शिमला मिर्च और टमाटर को इस तरह से बिछा दिया हुआ है, यानी कि मैंने स्प्रेड कर दिया हुआ है। ऊपर से दोबारा से चीज़ की जो है वो टॉपिंग कर देंगे। चीज़ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन पिज़्ज़ा में अगर चीज़ ना होना तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से ज़्यादा से ही जो है वो चीज़ ऐड किया। चीज़ ऐड करने के बाद लास्ट में इसके ऊपर जो है वो ऑलिव्स ऐड कर देंगे। ऑलिव्स जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप जो है वो ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो कोई इशू नहीं है। ढककर बंद करके इसे हमने तकरीबन भी 10 मिनट तक बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रखे अच्छे से कुक करना है। तो तकरीबन भी हमारा 20-25 मिनट भी नहीं लगे थे, और हमारा अमेजिंग सा जो है वो टोटल 15 मिनट में ही हमारा जो है वो
तवा पिज़्ज़ा बनके रेडी हो गया था। तो देख सकते हैं इतना डिलीशियस सा सेम जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल अमेजिंग सा हमारा जो है वो तवा पिज़्ज़ा बनके रेडी हो चुका हुआ है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए इस तरह से जो है वो किसी भी कटिंग बोर्ड पे रखेंगे, उसके बाद दोबारा से इसे हम तवे पे शिफ्ट करके कटिंग कर लेंगे। तो जिस तरह से अगर हम जो है वो रेस्टोरेंट वगैरह में खा के आते हैं ना इस तरह का पिज़्ज़ा, या घर में ऑर्डर करते हैं रेस्टोरेंट का पिज़्ज़ा, तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इसे हमने घर में बना के रेडी किया, सेम वही फ्लेवर आ रहा था जिस तरह से हम बाहर से पिज़्ज़ा खा कर आते हैं यानी कि रेस्टोरेंट वगैरह से। तो देख सकते हैं आप अमेजिंग सा कितना सॉफ्ट सा हमारा जो है वो पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुका हुआ है। तो देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट सी हमारी जो है वो डो बन के रेडी हुई है पिज़्ज़े की, और कितना सॉफ्ट सा अमेजिंग सा हमारा जो है वो ये पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुका हुआ है। मैं आपको चेक करवाऊंगी ना, तो ये देख सकते हैं आप कितनी इसकी जो है ना ब्रेड यानी कि जो इसकी डो है ना ये कितनी अमेजिंग सी बनकर रेडी हुई थी पिज़्ज़ा की, और बहुत ज़्यादा चीज़ी सा और बहुत ज़्यादा जो है वो डिलिशियस सा बन के रेडी हुआ था। जिस तरह का मुझे फ्लेवर चाहिए था ना सेम उसी तरह से बन के रेडी हुआ था। आप देख सकते हैं लुक वाइज भी कितना अमेजिंग सा लग रहा है, दिल कर रहा होगा आपका भी खाने का। तो एक बाइट आपके लिए मैं इंजॉय करती हूँ और आपको चेक करवाती हूँ ये किस तरह का पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ था। तो देख सकते हैं आप चीज़ी सा बहुत ज़्यादा डिलिशियस सा फ्लेवरफुल सा अमेजिंग सा हमारा जो है वो तवा पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ है। बहुत ज़्यादा चीज़ी सा था ये, और ये देख सकते हैं आप इसकी चीज़ कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी हुई है क्योंकि हमने इसके अंदर ज़्यादा से चीज़ ऐड की थी, इतनी भी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन देख सकते हैं आप इसकी डो और इसकी चीज़ कितनी अच्छी तरह से जो है वो सॉफ्ट सी जो है वो हमारी डो बन के रेडी हुई है, चीज़ कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी हुई है, कितनी नरम सी कितनी सॉफ्ट सी इसकी डो बन के रेडी हुई है, और ना ही ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली क्रिस्पी सी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा ये पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ था और परफेक्ट किस्म की जो है वो हमारी ये डो बन के रेडी हुई थी। तो आपने इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी ना तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।